हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला लुक। अगर आपको वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट विट मीन्स अलॉट टू मी। तो सबसे पहले मैंने यूज़ की थी जॉय की फ्रूट क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र, मुझे काफ़ी पसंद आई वो। उसके बाद मैंने आई शेडो पिक किया था फ्रॉम द पैलेट ब्यूटी क्लेस्ट, उसमें से ब्लैक और ब्राउन आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को बनाने के लिए। सो अगर आप बिगनर हो ना, आपको आईब्रोज़ बनाना नहीं आता, तो आप एक बार आई शेडो से बनाकर देखना ब्रश के साथ, प्रोसेस आपको काफ़ी ईजी लगेगा, आप ईजिली ड्रॉ कर लोगे। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। उसके बाद मैं दूसरे आईब्रोज को भी बना रही थी और स्पूली के साथ मैंने कर दिया है प्रोडक्ट को अच्छे से स्प्रेड। उसके बाद मैंने यूज़ किया था एक लाइट शेड का कंसीलर एंड उसे मैंने लगा लिया आईज़ के ऊपर एज अ आई बेस, और फिर मैंने सेट किया था लूज पाउडर से ताकि मेरा मेकअप क्रीज फ्री रहे। उसके बाद मैंने यूज़ किया था एक लाइट ऑरेंज कलर एज अ ट्रांजिशन शेड, और थोड़ा थोड़ा करके आपको कलर पिक करना है, डिपॉजिट करना है। उसके बाद मैं उसे अच्छे से कर रही हूँ ब्लेंड एक फ्लफी ब्रश के साथ। आपको ब्लेंडिंग में खूब सारा टाइम देना है ताकि आपका जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस लगे। उसके बाद मैं क्रीज पे लगा रही हूँ एक मरून कलर, और उसे भी कर लेना है अच्छे से ब्लेंड अपने ट्रांजिशन शेड के साथ ताकि जो आपका आई मेकअप है वो वन एंड टुगेदर लगे। आपको कलर हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना है, बाद में आप उसे इंटेंसिफाई कर लो जितना आपको चाहिए। आउटर कॉर्नर्स में डेप्थ देने के लिए मैंने यूज़ किया था एक डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो, और उसे मैं पुश कर रही हूँ टुवर्ड्स द आई, एंड उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपने अदर शेड्स के साथ। और एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं अब सारे आई शेडो जितने मैंने लगाए हैं उन सबको आपस में कर रही हूँ ब्लेंड। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा और कलर डिपॉजिट कर रही थी क्योंकि मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था। तो जब भी हम ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो यूज़ करते हैं ना, हमें पहले थोड़ा कम ही लगाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ मैस हो जाता और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उसके बाद मैंने यूज़ किया था एक स्मॉल सा डिटेलिंग ब्रश, एक्चुअली इट्स अ लिप लाइनिंग ब्रश, बट मैं इसे यूज़ करती हूँ टू ड्रॉ द क्रीज। बहुत क्रिस्प एंड नीट सी इसके साथ क्रीज ड्रॉ हो जाती है। तो अगर आप बिगनर हो ना, तो आप एक ऐसा ही स्मॉल सा ब्रश लेना क्रीज बनाने के लिए, प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके बाद मैं कंसीलर के एजेस को कर रही थी डिफ्यूज़, एंड मैंने यूज़ किया था आई शेडो ब्राउन एंड रेड जो मैंने अपने क्रीज के ऊपर लगाया है, और उसके साथ मैं कर रही हूँ अब अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड। तो कंसीलर के ऊपर मैंने लगाया था एक शिमर कलर जो था शैम्पेन कलर का, इससे ना जो कंसीलर की टैकीनेस थी, जो टैकी था ना कंसीलर, तो वो टैकी अब नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने लगाया था ग्लिटर ग्लू और उसे अच्छे से अपने आईलिड पे लगा लेना। उसके बाद मैंने यूज़ किया था रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर, उसे एक पिक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आपको कलर पिक करना है और लगाना है, बहुत लाइट प्रेशर के साथ लगाना है, नहीं तो ना आपका ग्लिटर कुछ टाइम के बाद एकदम पैची सा लगेगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और डिटेलिंग करने के लिए मैंने उसके बाद एक छोटा ब्रश भी यूज़ किया था। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर्स में कलर और ज़्यादा डिपॉजिट करूँगी और अपनी ग्लिटर्स को भी कर लूँगी उसके साथ ब्लेंड। सो आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ किया था NYB का आईलाइनर, काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा है, एकदम ब्लैक कलर का लाइनर है। सो अगर आप बिगनर हो तो आप इसको ज़रूर अपनी वैनिटी में डाल सकते हो, कुछ 70-80 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा आराम से। सो आज मैं इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही थी और मैंने ड्रॉ किया था विंग। सो अब मुझे लगाने थे फॉल्सेस, इसलिए मैं अपनी लैशेस को कर रही थी कर्ल, और उसके बाद मैंने लगाया मस्कारा एंड इसके साथ मैंने लगा ली हैं फॉल्सेस। सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही थी इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ये ना गाइस, ट्रस्ट मी, बॉम्ब प्राइमर है। अगर आप कोई प्राइमर देख रहे हो ना अफोर्डेबल,
सो जस्ट गो फॉर इट, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। बहुत अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को ना एकदम रिड्यूस कर देगा एंड बड़ा ही मैटिफाइंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन के ऊपर। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर। इसे जो फेस है ना उसमें ड्यूइनेस आ जाती है, प्लस ये काफ़ी हाइड्रेटिंग प्राइमर है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे अपने बेस पे लगाना बीनीथ द फाउंडेशन। आप चाहो तो फाउंडेशन के साथ में मिक्स कर सकते हो। आज मैंने यूज़ किया था इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट और इसमें से मैंने ऑरेंज कलर पिक किया था, बहुत लाइट पिक किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स नहीं है। तो उसके बाद जहाँ पे भी मेरे फेस में पिगमेंटेशन है ब्लैक कलर की, उसको मैंने कवर कर लिया था ऑरेंज के साथ एंड जितनी भी मेरे फेस पे रेडनेस है उसको कैंसिल करने के लिए मैंने यूज़ किया था ग्रीन कंसीलर। ये प्रोडक्ट ना फिंगर्स के साथ काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैंने बाद में फिंगर्स को ही यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अब मैंने कंसीलर लिया था जो बिल्कुल मेरे शेड के साथ मैच था, उसके साथ मैंने इस कलर करेक्टर जहाँ पे मैंने लगाया उसे कवर कर लिया था। अगर आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दोगे ना तो जो आपका बेस है वो इतना फ्लॉलेस नहीं लगेगा अनलेस अंटिल आपका जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज नहीं है। तो अगर तो फुल कवरेज है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बट इस स्टेप के साथ ना आपका बेस और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको लॉन्ग लास्ट करने के लिए मैं इस पर लगा रही थी लूज़ पाउडर। इसके साथ जब आप इसके ऊपर बेस लगाओगे ना तो आपकी कलर करेक्शन मूव नहीं करेगी, ऑन प्लेस रहेगी, इसलिए मैं हमेशा इसको सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यूज़ किया था ओलिविया का फाउंडेशन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है यार, ट्रस्ट में इतना अच्छा और इतना अफोर्डेबल है ना ये, और ब्लेंड तो लाइक इतनी अच्छे से ब्लेंड होता है ना ये, उसकी कवरेज भी काफ़ी ठीक ठाक है और इसको चाहो तो आप बिल्ड भी कर सकते हो, बिल्कुल भी केकी या मडी नहीं लगता है फेस। तो इसे मैं लगा रही थी अपने फेस पे, ईयर्स पे, और ताकि आपकी गर्दन आपकी फेस की पड़ोसन ना लगे तो मेक श्योर करना कि नेक पे भी अच्छे से प्रोडक्ट को लगा लेना। तो अब मैं कर रही हूँ इसे ब्लेंड, और ब्लेंड तो ये इतनी अच्छे से होता है ना। सो ब्लेंडिंग में आपको टाइम लगाना है तभी आपका मेकअप है ना जो वो फ्लॉलेस लगेगा और अच्छा लगेगा। सो ब्लेंडिंग में तो खूब खूब सारा टाइम लगाओ, बेशक वो आईज मेकअप की हो या फिर बेस के लिए हो, सो ब्लेंडिंग इज द की। उसके बाद अपने बेस को लॉक इन करने के लिए मैंने यूज़ किया था मेबेलिन का लूज पाउडर। तो अब हो गया है मेरा बेस सेट और अब बारी आती है हाईलाइटर की। सो हाईलाइट करने के लिए मैंने अपने फेस को यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर इन द शेड सैंड सेबल 02। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इसे मैं लगा रही थी अंडर आई पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज एंड ऑन माई चीक्स। तो उसके बाद मैं कर रही थी अपने फेस को कंटोर और कंटोरिंग शेड मैंने यूज़ किया था इनसाइड के ही कलर करेक्टर पैलेट में से। सो अब मैं कर रही हूँ अपनी जॉ लाइन को, और मेरी चीक जो चिन है ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट नहीं है तो हम हमेशा ऐसे करके अपनी चिन को कंट्रोल करती हूँ, तो इससे जो आपकी चिन है ना वो थोड़ी प्रोमिनेंट लगनी लग जाती है। उसके बाद मैं कर रही थी कंसीलर को ब्लेंड, और जो प्रोडक्ट जहाँ पे उसे वहीं पे टैप टैप करके ही ब्लेंड करना, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना प्रोडक्ट को, और अच्छे से अपना कर लेना है कंसीलर को सेट। ये कंसीलर ना बहुत फुल कवरेज का है और अगर इसे आप लगा के एक या दो मिनट के लिए छोड़ दोगे ना तो इसकी कवरेज जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड अब मैं कर रही थी अपनी नोज़ पे कंसीलर को ब्लेंड, और अब मैं कर रही हूँ नोज़ कंटूरिंग। तो मैं इस टेक्निक से भी कर लेती हूँ, दो लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ पैरेलल टू ईच अदर ऐसे डॉट डॉट करके। उसके बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं नोज़ कंटूर करूँ ना तो उसे मैं अपनी आईब्रोज़ के साथ कनेक्ट कर दूँ। इसके साथ जो है ना वो काफ़ी नेचुरल लगती है कंटूरिंग। तो ये एक ब्रश है यार, ये तो ना गेम चेंजिंग ब्रश है, सीरियसली इतना अच्छा ब्रश है ना, और इसके साथ नोज़ कंट्रोल करना इतना ज़्यादा इजी हो चुका है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था
उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी जहाँ पे मैंने कंटूर लगाया था उसे ब्लेंड, और मैं हमेशा करनी चाहिए आपको कंटूरिंग ब्लेंड अपवर्ड ताकि जो आपका फेस है ना वो अपलिफ्टेड लगे। उसके बाद मैं कर रही थी अपने फोरहेड पे अपनी कंटूरिंग को ब्लेंड। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर के साथ कर रही हूँ अपने कंसीलर को सेट, एंड जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ पे मैं काफ़ी लाइट हैंड से कर रही थी अपने कंसीलर को सेट। उसके बाद मैंने यूज़ किया था कलर सेंस का ब्रॉन्जर, एंड इसकी स्मेल गाइस इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना इसकी, सो चॉकलेटी, मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। एनीवेज उसके बाद मैं लगा रही थी इसे जहाँ पे मैंने क्रीम कंटूर लगाया था उसे सेट करने के लिए, लाइक ऑन द चीक्स ऑन माय जॉ। उसके बाद मैं काफ़ी बड़ा सा फ्लफी सा स्कल्पटिंग ब्रश लेती हूँ, इसके साथ अपने फोरहेड को कर लेती हूँ ब्रॉन्ज। इससे ना जो आपका फेस उसमें काफ़ी अच्छी वार्मथ आ जाती है, प्लस काफ़ी अच्छा सन किस इफेक्ट आ जाता है। सो आज मैंने जितने भी कलर्स यूज़ किए हैं वो सारे वार्म अंडरटोन्स के ही थे, इसलिए मैंने ब्लश लगाया था कोरल कलर का। ये थोड़ा कोरल एंड ऑरेंज अंडरटोन का ब्रश था जो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस लुक को। और मैं हमेशा ब्लश लगाती हूँ फोरहेड नोज़ एंड अपनी चिन के ऊपर भी। उसके बाद मैंने कर लिया था अपने बेस को सेट, और मैंने यूज़ की थी NYX की प्रोफेशनल सेटिंग स्प्रे। उसके बाद मैंने यूज़ किया था रेवोल्यूशन पैलेट 4 की हाइलाइटर पैलेट, और उसमें से ये शैम्पेन कलर को लेके अपने फेस को किया था हाईलाइट। काफ़ी अच्छा पैलेट है ये, 4 शेड्स मिल जाते हैं आपको एंड पिगमेंटेशन भी इसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो अब मैं कर चुकी हूँ अपने फेस को हाईलाइट, एंड उसके बाद मैंने शैम्पेन कलर ही लेके अपनी ब्राउ बोन को भी कर लिया था हाईलाइट। उसके बाद मैंने लगाया था काजल जो था शुगर कॉस्मेटिक का, काफ़ी अच्छा इंटेंस ब्लैक काजल है। उसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश के साथ पिक किया था रेड शेड, एंड काफ़ी सारा टाइम लगा के मैंने उसे किया था डिफ्यूज़ अपनी काजल के साथ। एंड इसके साथ जो आपका आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स पे लगाया था वाइट कलर का हाइलाइटर। उसके बाद लिप्स पे मैंने लगाया था अंडर लिप लाइन करने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक का कॉफी कमांड। उसके बाद मैंने लगाई थी मोवटॉप बाय स्विस ब्यूटी, एंड उसके बाद ब्लू हेवन की इन द शेड 11।